वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 सुपर फूड्स के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं हमारे लिए। हम चाहे किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब एज 40 क्रॉस कर रही है और एक एजिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, तब हम इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में रखेंगे तो डेफिनेटली जो एक एजिंग प्रोसेस है उसको डिले कर पाएंगे और अपने यूथफुल जो गोल्डन पीरियड होता है उसको ज़्यादा समय तक इन्जॉय करेंगे। क्योंकि ये जितने भी फूड आइटम्स हैं जिनको कि मैंने अभी सुपर फूड्स कहा, ये लंबे समय तक हमें यंग और हेल्दी रखेंगे। सबसे पहला सुपर फूड है बीन्स। जैसे जैसे हम मिडिल एज में पहुंचते हैं, 40 की एज को क्रॉस करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम बीन्स को या लेंटिल्स को, जो कि दालें हैं हमारी, उन्हें अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो हम इन दोनों के रिस्क फैक्टर को कम कर पाएंगे। अगर हम हर दिन 3/4 कप बीन्स या दाल को अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो हम 5% LDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाएंगे। LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके साथ साथ बीन्स जो हैं हमारे ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है ओट्स। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो हमें अपनी डाइट में कोई ऐसा फूड आइटम शामिल करना चाहिए जो कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। ओट्स में एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको कि हम बीटा ग्लूकन कहते हैं, ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। अगर हम 3 ग्राम बीटा ग्लूकन हर दिन लें तो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि LDL है, उसको 5-10% कम कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है एप्पल, जो कि डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में है। हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है नट्स। रिसर्चेस बताती हैं कि अगर हम दिन में एक हैंडफुल नट्स लेंगे, मिक्स नट्स जिसमें कि पीनट, मूंगफली भी शामिल हैं, तो हमारे को हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस 28% कम हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। रीसेंट रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग हर रोज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी 11 साल यंगर होती है उन लोगों से जो कि हरी सब्जियां कभी कभार खाते हैं। यहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटी को ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी एक पर्सन की वो एबिलिटी है, मतलब उसके मेंटल एक्टिविटी उसकी, कि वो कोई चीज़ सीखने में कितना एक्टिव है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है पपाया, जिसको कि हम पपीता भी कहते हैं। पपाया में पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है जो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन्हें ज़रूर अपनी डाइट में पपीते को लेना चाहिए, और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी होता है। पपाया में हाई फाइबर और वाटर कंटेंट है जो कि कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखता है। बहुत टेस्टी फ्रूट है, बहुत रिच है, वैरायटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस और मिनरल्स हैं। ये हमारी स्किन को इलास्टिक बनाता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स से भी बचाता है। नेक्स्ट फूड आइटम जो सुपर फूड की श्रेणी में आता है वो है कैरेट, जिसको कि हम गाजर भी कहते हैं। अगर हम गाजर की बात करें, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट के लिए बेनिफिशियल है।
स्पेशली हमारी आँखों के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे हार्ट के लिए। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और हमारे डाइजेशन को हेल्दी करती है। गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हैं, विटामिन ए, B8, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ई। इसके साथ साथ आयरन, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीज भी बहुत अच्छी मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में है, जिसमें से बीटा कैरोटीन भी एक है। नेक्स्ट सुपर फूड है बेरीज। हर तरह की जो बेरीज हैं वो ब्रेन बूस्टर का काम करती हैं। कौन कौन सी बेरीज हो सकती हैं? ब्लूबेरीज, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स एंड टमेटो। और भी जितनी बेरीज हैं ये सभी ब्रेन बूस्टर का काम करती हैं। जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं बेरीज में वो हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जब हमारे ब्रेन में प्रॉपर होता है तो जो एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमारी आनी शुरू होती हैं, जिसमें से कि अल्जाइमर भी एक है, जिसमें मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। इन सभी के रिस्क कम हो जाते हैं। फाइबर कंटेंट्स, मिनरल्स और विटामिंस भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं बेरीज में। नेक्स्ट सुपर फूड है योगर्ट, जो कि ज़्यादातर लोगों का बहुत फेवरेट है। योगर्ट में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी मसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी मसल स्टोन होती हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। कैल्शियम हमारी बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बोन की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, तो जब हम योगर्ट को अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो हमारी बोन डेंसिटी भी मेंटेन्ड रहेगी। एक और वेजिटेबल या सुपर फूड जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है वो है बीटरूट। बीटरूट को रेगुलरली खाने से हमें प्लेंटी ऑफ विटामिन ए, सी, फोलिक एसिड, फाइबर और मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स कौन कौन से? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज और आयरन बहुत अच्छा सोर्स है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डिमेंशिया के रिस्क को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में है, ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। हमने आज जो 10 सुपर फूड डिस्कस किए हैं इनको हम मिक्स करके, कुछ को इसमें मिक्स करके हम एक मील की तरह भी ले सकते हैं। जैसे हम योगर्ट में ओटमील मिलाएं, साथ में बेरीज को मिला सकते हैं, नट्स को मिला सकते हैं, तो ये हमारा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। लंच में हम क्या कर सकते हैं कि हम योगर्ट के साथ पपाया की एक स्मूदी बना सकते हैं और हम सैलड ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट्स, साथ में बीटरूट और टोस्टेड नट्स उसमें डाल सकते हैं। डिनर में हम बीन्स ले सकते हैं, उसको हम राइस के साथ, चाहे हम ब्राउन राइस लें या फिर चपाती के साथ भी ले सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके हम एक हेल्दी मील भी बना सकते हैं। आज हमने जो सुपर फूड्स डिस्कस किए ये एक एजिंग को रोकने के लिए तो है ही है हेल्पफुल, लेकिन अगर हर एज ग्रुप के लोग इसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे और यूथफुल भी रहेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।